ఢిల్లీలోని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశం ముగిసింది. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించింది. పిసిసి అధ్యక్షులు, సిఎల్పి లీడర్లు, రాష్ట్రాల ఇన్‌చార్జ్‌లతో మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన భేటీ జరిగింది. దాదాపు 3 గంటల పాటు ఈ సమావేశం కొనసాగింది. मकसद था उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा. भारत जोड़ो न्याय यात्रा. न्याय तो मकसद ही है. हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है. हमारे संविधान के जो चार स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो चार स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही चार स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में. तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए. इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा. न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय. और इस न्याय ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है. सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने. पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा. दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा. 12:30 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश.